भारतीय संस्कृति पर है गर्व हमें, हमें अपनी संस्कृति पर सदा गर्व रहेगा यह बुजलिया उत्सव। हमें एकता की सीख देता है। कौमी एकता के इस पर्व में सभी उपस्थित होते हैं और इस पर्व पर सभी अपनी बुराइयों की भूल को माफ कर एक दूसरे से गले मिल अच्छाइयों को ग्रहण करने की सीख सिखाता है। वहीं परासिया विधानसभा क्षेत्र के भाजीपानी इकलेरा में लगा छिंदवाड़े जिले का ऐतिहासिक बुजलिया मेला। विशाल दंगल, हाथों में बुजलिया लिए कजरिया गीत गाते महिला पहुंची, जिसे देखने के लिए उमड़ा जन सैलाब। भाजीपानी सरपंच सोनू यादव ने बताया कि विशाल इनामी दंगल का आयोजन की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। दंगल विजेताओं को मुख्य अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। परासी क्षेत्र के पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया, जामई क्षेत्र के पूर्व विधायक नतन शाह सहित भारी संख्या में पुलिस बल व्यवस्था में लगे रहे। सीटीएन भारत से शेख फरीद की रिपोर्ट, परासिया। का पर्व प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी भाजीपानी इकलेरा बुजलिया के मेले मनाया जा रहा है। यहाँ के सरपंच मनीष यादव जी सोनू भैया द्वारा प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हमारी हिंदू संस्कृति रक्षाबंधन का पर्व के बाद दूसरे और तीसरे दिन भुजलिया का अवसर होता है, जब गेहूँ की बाली लेकर के एक दूसरे से हम मिलते हैं। सब एक दूसरे की आपसी रंजिश को भी भूल करके इस पर्व में एक दूसरे से गले मिल करके हम सब इस त्यौहार को मनाते हैं। और ये इकलेरा का भुजलिया का मेला बरसों से यहाँ पे लगता चला है और इस परंपरा को यहाँ के सरपंच जी ने बरकरार रखा है और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी पहलवान मित्र लोग आए हैं, वो अपनी पहलवानी के पूरे शौर्य यहाँ पर दिखा रहे हैं। काफ़ी हजारों की संख्या में यहाँ पर संख्या उपस्थित होती है और इस मेले से एक अवसर ये मिलता है क्षेत्रवासियों की दूसरे से मिलने का, गांव देहात के लोग आने का। इसी पुरातन परंपरा को हमारे रक्षाबंधन भुजलिया को बरकरार रखते हुए यहाँ के सरपंच जी और यहाँ की पूरी उनकी टीम ग्रामवासी लोग इस कार्यक्रम करते हैं। इस अवसर पर हम सभी को क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन भुजलिया पर्व की शुभकामनाएँ भी देते हैं। बीता हुआ 15 अगस्त इस बार हमारे देश के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण था। देश की दूसरी आज़ादी थी कि हमारे देश के पंच प्रधान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृहमंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर में भी धारा 370 और 35A को हटाकर पूर्ण स्वतंत्र भारत कैसा हो, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत कैसा हो, इसलिए 15 अगस्त को वहाँ के गवर्नर जी ने राष्ट्रीय ध्वज अशोक सर का तिरंगा झंडा फहरा करके। सर, ये भुजलिया का मेला जो है ये पूरे छिंदवाड़ा जिले में महत्वपूर्ण यहाँ पर ऐसा है कि चूँकि कोयला खदानें बरसों चलती आई हैं, कोयला खदान में ये लघु भारत है। यहाँ पर बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हर प्रांत के लोग यहाँ पर कोयला खदान में काम करने आया करते थे और इस क्षेत्र में पुराने जमाने बहुत बड़े कोई खेल तो होते नहीं है, लेकिन इस खेल में कोई पैसा तो लगता नहीं है। छोटे से जगह पर गाँव में खेला जाता है, जिसमें बिना खर्च के लोगों को आनंद देने वाला खेल है और इसमें लोग अपने शरीर का प्रदर्शन करते हैं। उसके लिए मैं क्षेत्रवासियों को और यहाँ की टीम को बहुत शुभकामनाएं सरपंच जी को। थैंक यू।